भाइयों और बहनों, मेरे सभी मित्रों, आज मैं आपको हनुमत वृक्ष, जिसके दूसरे नाम हैं अंजनेय वृक्ष, बंगाली में इसको वानर राज बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है कठमूली, झिंझोरी, और मराठी में इसको बोलते हैं आपटा, चार झाड़, सोना पान, संस्कृत में इसको श्वेत कांचन और असमंतक बोलते हैं, तमिल में अत्ति, मलयालम में अरमपाली, कुतुबुली, और बंगाली में इसको बोलते हैं वनराज। तो मित्रों, इसका बॉटेनिकल नाम है बोहनिया रेसमोसा। ये एक जंगली वृक्ष है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके पत्तों की। ये बोहनिया परिवार का है। बोहनिया परिवार में जितने भी पेड़ हैं, उनकी पत्तियां इस तरह से होती हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, और बीच में से ये कटी हुई सी होती है। जो बानर राज है और जिसको अंजनेय वृक्ष बोलते हैं, इसको इसी को हनुमत वृक्ष भी बोलते हैं। तो रेसमोसा, बोहनिया रेसमोसा इसका बॉटेनिकल नाम है। तो मित्रों, मैं इसका एक बहुत सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को के जीवन में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये हनुमत वृक्ष के पत्ते को शनिवार को नहा धोकर लाएं और इसको गंगाजल या पवित्र पानी से धोकर अपने पर्स में रखें या अपनी गाड़ी के जहां रिकॉर्ड रखते हैं वहां रख लें। किसी भी तरह की आपत्ति नहीं आएगी। ये हनुमत वृक्ष है, अंजनेय वृक्ष है, महाराष्ट्रीय इसको अंजन वृक्ष भी बोलते हैं, और ये आपका चा झाड़ भी है। तो मैंने ये प्रयोग बताए कि इसके अगर किसी तरह की कोई आपत्ति है घर पर, तो भी इस वृक्ष की एक पत्ती तोड़ लें और अपने पर्स में रखें, और आप देखेंगे कि आपका कोई भी एक्सीडेंट और कोई भी बुरी आत्मा जो घर में प्रवेश कर गई है, वो भी आपको परेशान नहीं करेगी और भाग जाएगी। इसीलिए इसका नाम बंगाली में वनराज और हनुमत वृक्ष है। इसी को बंगाली में बानर राज बोलते हैं, और ये सब नाम जो है हनुमान के हैं। तो ये मैंने जानकारी दी, इसका बॉटेनिकल नाम बताया। इसी की तरह से ये पत्ते छोटे होते हैं मित्रों, और यही पेड़ है जो दत्तात्रेय जी का प्रिय वृक्ष है। जिनको दत्तात्रेय की कृपा लेनी हो, वो बृहस्पतिवार के दिन नहा धोकर इसके पत्ते को रखें, और जिनको संकट मोचन को खुश करने के लिए करना हो, वो शनिवार या मंगलवार के दिन नहा धोकर जाएं, इसका पत्ता लें और अपनी मनोकामना सिद्ध करें। तो मित्रों, ये मैंने जानकारी दी। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।